तारीख 16 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात करते हैं 53 साल पहले घटते घटते रह गई उस घटना की, जिसमें रूस ने चीन के ऊपर परमाणु बम गिराने की तैयारियां पूरी कर ली थी। 15 मिनट बाद परमाणु बम गिराने के लिए बटन दबना था, लेकिन वो बटन आज तक नहीं दब सका। आइए जानिए कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते रूस ने तब चालबाज चीन को परमाणु हमले की तबाही से बचा दिया। आज दुनिया रूस और चीन के बीच जिस दांत काटे की दोस्ती को देख रही है, दरअसल वो आंखों का भ्रम भी हो सकता है। हाँ, चीन और रूस की बीते एक दशक की इस दोस्ती ने अमेरिका का चैन जरूर छीन लिया है। ऐसा भी नहीं है कि रूस और चीन भारत और रूस की तरह ही कई दशक पुराने दोस्त हों। रूस और चीन के बीच चले आ रहे सीमा विवादों ने ना मालूम कितने बेकसूरों को अकाल मौत की नींद सुलवा दिया था। यह बात है सन 1969 यानी अब से करीब 53 साल पहले की, जब एक समय वो भी आ गया था कि रूस ने चीन के ऊपर परमाणु बम गिराने की तैयारियां पूरी कर ली थी। चीन का एक बड़ा तबका रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पर आज भी अपना दावा पेश करता रहा है। यह शहर प्रशांत महासागर में रूसी नौसैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र आज भी माना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के दावे में अगर दम है तो मार्च सन 1969 के दौरान तनाव चीन और रूस के बीच उस हद तक का बढ़ गया था कि रूस ने चीन को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली थी। इसके लिए रूस ने चीन के ऊपर परमाणु बम गिराने का इंतजाम कर लिया था। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय से आदेश मिलने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही तब परमाणु मिसाइल लॉन्च कर दी जानी थी। यह घटना शीत युद्ध के शुरुआत के लगभग एक दशक बाद की बताई जाती है। उस समय अमेरिका की धमकियों से तंग सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो के अनुरोध पर अपनी परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात कर दिया था। उस समय तक कम्युनिस्ट शासित देशों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली होने के कारण रूस का समर्थन चीन भी किया करता था। जानना जरूरी है कि सोवियत संघ और चीन कम्युनिस्ट शासित देश होने के कारण पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 16 अक्टूबर सन 1964 को चीन ने पहला परमाणु बम परीक्षण कर दुनिया को जब हैरत में डाल दिया तो उससे रूस की चिंताएं बढ़ गईं। रूस ने बड़े पैमाने पर चीन से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर दी। दोनों देशों की सीमाओं पर सैन्य झड़पें भी शुरू हो गईं। परमाणु शक्ति संपन्न होने के नशे में चीनी सैनिक अक्सर रूसी सैनिकों से उलझ जाया करते थे, जैसा कि आज चीनी सैनिक भारत के साथ कर रहे हैं। सन 1969 में दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि मार्च से सितंबर महीने के मध्य दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध तक लड़ लिया गया। रूस को उम्मीद थी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जारी कलह उसकी मददगार साबित होगी। उस समय माओ त्से तुंग और लियू शाओकी के बीच चीन में खींचतान मची हुई थी। हालांकि रूस को तब उस विवाद का कोई लाभ नहीं मिल सका। माओ त्से तुंग ने घरेलू उठापटक से जनता का ध्यान हटाने के लिए रूस के साथ तनाव बढ़ाने का फैसला किया और 2 मार्च सन 1969 को चीनी सैनिकों को पेंचिंग से सीधा आदेश मिला कि वे जेन बवाओ द्वीप पर तैनात रूस के KGB बॉर्डर ट्रूप्स पर हमला कर दें। यह क्षेत्र रूस के प्रिमोर्स्की क्राय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC के हेई लोंग जियांग प्रांत के बीच उस्सुरी नदी पर स्थित था, जिसके बाद 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला। माओ त्से तुंग को यह लगता था कि रूस की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि रूस में चीन के उस हमले को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया हुई। रूस उस समय इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने अपने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया। रूस की परमाणु मिसाइलें चीन से 1500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात कर दी गईं। ये मिसाइलें मॉस्को से आदेश मिलते ही सिर्फ 15 मिनट में चीन में तबाही मचाने को तैयार थीं। लेकिन रूसी नेतृत्व को डर था कि अगर चीन पर परमाणु हमला किया गया तो इसके नतीजे आइंदा उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक सिद्ध होंगे और अमेरिका को रूस के ऊपर हावी होने का मौका मिल जाएगा। इसी कारण मिसाइलों को लॉन्च न करते हुए KGB के एलिट बॉर्डर गार्ड्स की टुकड़ी से चीनी सैनिकों पर हमला किया गया, जिसमें सैकड़ों चीनी सैनिक शहीद कर डाले गए थे। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात में लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।